राइट साइड वाला चक्का जो है यहाँ से कटती हुई सीधा नीचे की ओर और पानी के अंदर 4 से 5 फीट जा करके गिरी है, जो जैसे अपने बदौलत आया गेट तक। इसके बाद जैसे जैसे आते गया हाथ पकड़ के ऊपर करते चले गए, सबसे अंतिम में हम निकले ऊपर आए हैं। इसके बाद केवल चीख चिल्लाहट, केवल अंदर से चीख चिल्लाहट बचाओ। फिर आपने क्या प्रयास किया? देख लीजिए, यही वो शख्स है, यही वो जवान है जो बहुत सारे लोगों का जीवन दान दे दिए हैं, अन्यथा मधुबनी में बहुत बड़ा कोलाहल हो जाता। अच्छा, आप पकड़े को बस ऊपर का पकड़े सब अपन अपन जान बचाव में लगे, अपन अपन जान बचवा लगले आ वहां बैगे बस पैन में झमाए देखो खस धमाके देखो खसले मार मार बस स्टैंड से निकलने के बाद जय माता दी बस जिनका नंबर है BR06PE7451 और यही बस जय माता दी पटना से चलकर मधुबनी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के नज़दीक आई थी और वहां से 3:17 में खुली और यहां 3:24 में ऐसी बड़ी हादसा के रूप में दस्तक दी है, जिसको सुनकर के मधुबनी के लोग दहल चुके हैं और जगह जगह से आकर के इस घटना को देखने के लिए आए हैं कि किस कैसी परिस्थिति यहां बनी है। जहां बस को सीधा ले जाना था वहीं बस को पानी में सीधे रेल दिया है और रेलने के बाद सीधा पानी में जाकर के लगभग 4 से 5 फीट की गहराई में बस जाकर अटकी हुई है। चाची उसी में सफ़र कर रही थी, चाची के साथ बहुत बड़ी हादसा फिर से घट गई है। चाची की नाम है चंदर देवी। घर कता है? धर्मपुर। घर वाला के नाम की है कनक लाल यादव। ये बताओ जो बेटी के नाम की है रूपा कुमारी, की घटना घटल है? छाती में दर्द कर, छाती में चोट लगल, बड़ दर्द कर। कितना लगले चोट? बसे में लगले चोट, अब कना ले तो पानी तो भर मुँह खर भाग गए, माने नाक से खाली बचल रह गए। किडनी विभाग में? किडनी विभाग में कत इलाज चले चले है? इंदिरा गांधी अस्पताल है नेफ्रो में। नेफ्रो में ओपीडी से? ओपीडी से कत चले चले है? इंदिरा गांधी अस्पताल पटना। अबते चबते जा कना भले ने भले एक बैगे बस पानी में झमाए देखो खस धमाके देखो खसले मार मार के लोग पानी में, लोग दहादी से लोग पानी में धने खस पड़े। को देख रही होगी जो शाम पानी में जाके समा गई है, लगभग 4 फीट पानी अभी भी बस को घेरे हुई है और इसके अंदर लगभग 15 से 20 सवारी फंसे हुए थे और उन लोगों को किसी प्रकार से निकाला गया है और कुछ लोग फंसे होने की संभावना लोग कर रहे हैं। यही वो भैया है जो सुबह बस एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारे पैसेंजरों को रेस्क्यू किए हैं और इनको सैल्यूट करते हैं कि आपका प्रयास हमारे मधुबनी के लिए, हमारे मिथिलांचल के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है और आपको सैल्यूट इसलिए कर रहे हैं कि आपने 8 से 10 लोगों को आज जिंदा करके बाहर निकाले हैं। इसके लिए आपको लाइक मिलता है, हम अपने तरफ से सैल्यूट करते हैं। सबसे पहले अपना नाम, शुभ नाम बताइए। अनिल प्रभाकर मेरा नाम हुआ। आपको खबर कैसे मिलाई? क्या खबर, हम उसके अंदर खुद फंसे हुए थे। आप भी फंसे हुए थे? हाँ, देख लीजिए पूरा भैया गीला, थोड़ा नीचा कैमरा देख लीजिए, भैया पूरा गीला है और शायद इसी का गवाह आप समझ लीजिए कि इस अंदर में फंसे हुए थे। तो जब आप फंसे, जब एक एक्सीडेंट हुई, वो एक्सीडेंट के बताइए कि जब इनिशियल जब पॉइंट हो रहा, जब घटना घट रही थी उस समय किस प्रकार से ये घटना हुई? देखिए हो रहा क्या है कि मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल 1 मिनट लगे 2 मिनट लगे या 3 मिनट लगे जितना देर में हुआ बस पलटा, तो हम हाथे में मोबाइल था। ठीक है, बस कैसे पलटा? एक प्रकार का आप तो उस समय मोबाइल देख रहे थे, उस सीन कैसे? मोबाइल नहीं देख, मोबाइल हाथ में था, मोबाइल देखना बंद कर दिया थे। एकाएक पलटी मारा था ऐसे, जो इस साइड पलटी मारा था ये हाथ ऊपर चला गया। अच्छा, थोड़ा दिखाई कैमरा में, ऊपर दिखाई, हाथ ऊपर चला गया, माने मोबाइल तो हाथ से ऊपर जाएगा ना। इसके बाद देखे कि यह पानी घुस रहा है अंदर, बस के अंदर अंदर घुस रहा है। इसके बाद हम पत्नी का टेंशन हुआ, पत्नी का, चूंकि पत्नी जो सीट पर पहले पैसेंजर नहीं था, बाद में था, तो हम कहे कि जो उस पत्नी हमारी अकेले सीट पर थी, दोनों सीट पर मतलब वो खाली था और इधर जो है हम दो आदमी से थे। इसके बाद जो आराम करने के लिए उसको दे दिए, दोनों सीट पर बैठो आराम से, बात को समझिए। इसके अपना पत्नी को ऊपर लाए गेट के पास और जो जैसे अपने बदौलत आया गेट तक। इसके बाद जैसे जैसे आते गया हाथ पकड़ के ऊपर करते चले गए, सबसे अंतिम में हम निकले। सबसे अंतिम में निकले? हाँ, तो मोबाइल संपर्क किए थे उस समय प्रशासन से? हाँ, 100 नंबर पर कॉल लगाए थे। अब लगा कि नहीं लगा, रिस्पॉन्स लिया? वो तो तुरंत आ गया था, यहाँ पर था, लगा हुआ स्टेशन के पास आ गया था।
मगर अभी तक जो है सो अंदर में जाकर के निकाले कि सिर्फ आप ही निकालने का प्रयास किए और आपके नहीं 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 उस सब तक निकल चुका था, यहाँ बाहर आया है ना, इसके बाद दो आदमी जो डैमेज थे लेडीज थी शायद इनको। अच्छा अंतिम में जब आप निकले तो आप ये प्रयास किए कि इसके अंदर में कोई फंसा तो नहीं है? इसका कोई मतलब 90% तो नहीं है फंसा है, ड्राइवर हो सकता है पीले पाले होगा तो होगा, नहीं तो आप कोई ऐसा नहीं गारंटी कौन कहेगा इसी गारंटी नहीं कह सकते गारंटी नहीं कह सकते गारंटी कौन कहेगा गारंटी हम देखे रहेंगे तब ना। अच्छा ये बताइए कि रेस्क्यू के लिए NDRF टीम यहाँ टीम अभी उस समय पहुँची थी क्या? तो अभी तक नहीं पहुँची है, अभी तक नहीं पहुँची है तो अभी देख रहे हैं ना। यही वो जवान है जो बहुत सारे लोगों का जीवन दान दे दिए हैं, अन्यथा मधुबनी में बहुत बड़ा कोलाहल हो जाता। अच्छा, और कोलाहल नहीं हुआ है तो इसके लिए भाई साहब को आप लोग भी सैल्यूट कीजिए कि ऐसे लोग हमारे समाज में रहे ताकि कोई भी परिस्थिति ऐसी आए विषम परिस्थिति तो ऐसे में हम लोग और आप लोग भी खड़े हो जाए और किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो रेस्क्यू टीम नहीं आए तो आप लोग अंदर में जब फंसे हुए थे तो गेट कैसे तोड़ा गया था? गेट तो खुला हुआ था ना, गेट खुला हुआ, गेट खुला हुआ, गरिमत यही था कि गेट खुला गेट हुआ था, खुला हुआ था। हाँ। आप देख लीजिए एकदम आराम से देख लीजिए कि यह बस का जो चक्का है जो पूरब साइड वाला चक्का है यानी राइट साइड वाला चक्का जो है यहाँ से कटती हुई सीधा नीचे की ओर और पानी के अंदर 4 से 5 फीट जा करके गिरी है और गिरने का जो पोजीशन है इससे यही लगता है कि कोई इसको सीधा ऐसे धकेल दिया हो। तो ये किस प्रकार की परिदृश्य और कैसे बनी होगी आप समझ लीजिए कि बस सड़क के पैरेलल में जाके गिरी है पानी में और लोग इसमें बहुत देरों तक हलचल करते रहे हैं, पानी जब तक भरी है तब तक लोगों को सांस अटकी हुई थी, लेकिन एक भाई साहब का प्रयास अंदर में लोगों का जो एक प्रकार का व्यक्तिगत प्रयास था जिसके कारण ये बस हादसा में किसी प्रकार की अब तक हताहत वाली स्थिति देखने को नहीं मिली है, लेकिन कुछ भी संभावना हो सकती है बस के अंदर, हो सकता है कि कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी संभावना हो सकती है बस के अंदर, हो सकता है कि कुछ भी हो, लेकिन अब तक किसी प्रकार की लोगों द्वारा या कहें कि परिजनों द्वारा या कहीं से किसी प्रकार की अब तक बात नहीं आ रही है। तो ये गनीमत है कि मधुबनी में जो हादसा अभी बस स्टैंड के बस एक्सीडेंट के रूप में हुई है ये बस स्टैंड मधुबनी के लिए बहुत ही बड़ी ज्वलंत मुद्दा के रूप में, बहुत बड़ी घटना के रूप में घटी है और इस घटना के पीछे ड्राइवर को नींद आना या कहे कि कुछ और ले लिए होंगे ये तमाम बातों की आशंका जाहिर की जा सकती है। और ऐसे में जो बस स्टैंड हमने आपको मिथिला दस्तक के माध्यम से सारी अपडेट्स दिए हैं, आपके परिजन आपके परिवार के लोग वैसे परिजन जिनके परिवार के लोग बस नंबर BR06PE7451 से सफ़र कर रहे थे पटना से लोखा के तरफ जाने वाली और मधुबनी में बस स्टैंड में रुकी थी उसके बाद की घटना है जब ये बस लोखा जा रही थी और लोखा जाने के क्रम में ये घटना घटी है। और इसमें यदि आपके परिवार के लोग फंसे हों या आपके परिवार के लोग सफ़र कर रहे हों तो आप उनसे संपर्क कीजिए, किसी प्रकार से आप संपर्क करके उनसे बात कर लीजिए कि आपके परिवार के लोग सुरक्षित हैं या नहीं। साथ में हमारे वीडियो को देखने वाले लोग यदि आप चाहते हैं कि मधुबनी की ये घटना जिस प्रकार की घटी है उन परिजनों तक ये खबर जाए तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि किसी भी परिस्थिति में ये घटना की जानकारी सब लोगों तक चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मिथिला दस्तक की धाकर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।